राजधानी देहरादून में पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक दिलीप मित्तल पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले दिलीप मित्तल पर दो मुकदमा पुलिस दर्ज कर चुकी है। दरअसल बिल्डर के द्वारा मर्चेंट नेवी में काम कर रहे एक व्यक्ति से पैसा लेने के बावजूद उसका फ्लाइट किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया था। पुलिस ने बताया कि लगातार पुष्पांजलि बिल्डर के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं और सभी मामलों को जोड़ते हुए पुलिस पुष्पांजलि बिल्डर्स पर कठोर कार्रवाई कर सकती है। जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, सीओ डालने वाला है विवेक, उनको एग्जामिन करने के बाद अगर लगता है कि इसमें एफआईआर करने की आवश्यकता है तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर की जा रही है। इसमें एक एफआईआर हमारे पास आई है, एप्लीकेशन आई है जिसको एग्जामिन किया है सीओ ने और उनका मानना है कि इसमें एफआईआर किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्राइमरीली जो एलिगेशंस हैं वो सही पाए जा रहे हैं और डिटेल फाइंडिंग्स के लिए इन्वेस्टिगेशन किए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसमें बेसिकली एक कंप्लेनेंट है, उनका कहना है कि जो इसका एक प्रोजेक्ट था उसमें एक फ्लैट इसने बुक किया था और उसका पैसा भी हैंडओवर कर दिया था लोन लेने के बाद और फ्लैट इसको नहीं देकर के किसी और को दे दिया गया है जिससे इसका पैसा भी डूब गया और उसके साथ धोखाधड़ी भी हुई है।